NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara Behta. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट. देखिए, जब हम यहाँ रहते हैं तो प्रायः वोट हम देते हैं, सबसे पहले ही देते हैं. और गांव का सम्मान क्या है, यहाँ जन्मे हैं, यहाँ पले हैं. हम मुख्यमंत्री भी हुए थे तो भी हम 3 रात यहाँ गुजारे हैं. आज भी 10-15 दिन के बाद अपने गांव में आते हैं. यहाँ के माटी से हमको लगाव है और सब लोग हमको प्रतिष्ठा देते हैं, प्यार देते हैं. इसमें कौन दो बात है. ये महागठबंधन के नेताओं का मीटिंग शुरू हो गया है, क्या संकेत है? संकेत तो साफ है कि हमारे महामहिम जो प्रधानमंत्री जी हैं वो चले गए हैं केदारनाथ संन्यास लेने के लिए. तो जितनी सारी बातें गलत सलत कह करके 2014 में लोगों से वोट लिया और आज उनको समझ में आ गया कि हिंदुस्तान की जनता भ्रम में पड़ने वाले नहीं है. और सर्वे एक तरह से उनके सर्वे भी आ रहा है जिसमें उनको 150 या 200 दिखला रहा है, सब मिला करके 200 से नीचे ही NDA को दिखला रहा है. तो शायद आत्मचिंतन करने गए हैं. तो वैसी परिस्थिति में हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि दूसरे लोगों के लिए भी ये सबक है कि झूठ बोल करके, गलतफहमी में डाल करके, खास करके जनतंत्र में जो हमारे मतदाता हैं, महान हैं और जमहूरियत एक अहमियत है, तो बरगलाना नहीं चाहिए. और हम समझते हैं कि शायद ऐसा गए हैं संन्यास में करेंगे, उसमें आत्मचिंतन करेंगे और उसके बाद जो भी गलती उन्होंने की है उसमें सुधार लाएंगे. सर, आज 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं तो क्या आकलन लग रहा है? देखिए, स्पष्ट है, पहला चुनाव, पहला फेज हुआ, उसमें भी हम लोग काफ़ी वोट से आगे हैं सब लोग. हालांकि कि उस समय तो हम इलेक्शन कमीशन पर चार्ज किया है, आज भी मेरा चार्ज है कि खास करके ऐसे समय में जिस समय गरीब लोग छठ व्रत करते हैं, छठ व्रत के दिन ही इलेक्शन रखा गया, जानबूझ करके हमारे 10% मतदाताओं को रोका गया था. और वही दूसरा फेज जब हुआ तो 66% हुआ, नहीं 10% वोट ज़्यादा हुआ, वो गरीबों का था. तो मेरा कहने का मतलब पहला दूसरा से स्थिति हमारी महागठबंधन की बदलती चली गई. आज आपको मैं बतलाता हूँ कि छठा चरण में पार्टिकुलर जात का नाम मैं नहीं लूँगा, वो लोग हम लोगों को वोट नहीं दे रहे थे, 15% 20% दे रहे हैं. लेकिन इस चरण में हमको पता चला है कि 60 और 70% उनका वोट जो हमको नहीं देते थे उनका हो गया. तो इसी से आप जोड़ लीजिए कि 8 सीट पर हम लोग यहाँ महागठबंधन के लोग जीतेंगे. क्या लगता है कि 23 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उसमें महागठबंधन एकदम स्पष्ट है? आप देखें, नहीं, दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू जी ने प्रयास किया है और 21 तारीख को लोग बैठने वाले हैं और वहाँ तैयारी चल रही है. महागठबंधन के प्रधानमंत्री कौन बने, पोस्ट पोल डिसीजन होना है. 21 तारीख को लोग बैठ रहे हैं, तो जब बैठेंगे वहाँ पर तय होगा कि कौन क्या होगा. फिर 23 को जब रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद उसी के अनुरूप कार्रवाई होगी. कहने का मतलब ये नई बात नहीं है, नया ये उपाय नहीं है. पोस्ट पोल डिक्लेरेशन प्राइम मिनिस्टर का बहुत बार हुआ है, ये बात है ना कि कोई इस बार नया हो रहा है. तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है. और इतना मैं कहता हूँ क्योंकि संपर्क में हम लोग भी हैं हमारे उच्चस्थ नेताओं से, हाँ, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए किसी प्रकार का कोई हिच नहीं होगा. सर्वानुमति से सब लोग डिसीजन ले लेंगे और 23 तारीख के बाद आप देखिएगा महागठबंधन की सरकार बनेगी. आने वाली सरकार में सर आप अपनी भूमिका क्या देखते हैं? देखिए, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के बहसियत यहाँ 3 सीट से लड़ रहे हैं और 3 सीट की भी एक अहमियत है, हम 3 सीट जीतने जा रहे हैं. रही बात केंद्र की राजनीति में, तो केंद्र की राजनीति में आप जोड़िए 21 पार्टियों की जो बैठक हुई थी उसमें जीतन मांझी भी शामिल हुआ था. सबकी सम्मति से वहाँ पर घोषणा पत्र बनने की बात हुई, पोस्ट पोल अलायंस की बात हुई. तो उसमें हम लोग निश्चित रूप में एक कारगर भूमिका निभाएंगे और इलेक्शन के बाद और रिजल्ट के बाद
हम समझते हैं कि हर लोग को कॉन्फिडेंस में ले करके नई सरकार बनाने का पहल किया। सर एक एक सवाल है, 40 सीटों में क्या कितने महागठबंधन के खाते में आएंगे? देखिए हम नहीं कह रहे हैं, आरएसएस का अनुमान है, आज से एक सप्ताह पहले आरएसएस वाले लोग किए हैं। आरएसएस कौन है आप लोग जानते हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार में 22 सीट महागठबंधन जीतने जा रही है, तो आप जोड़ सकते हैं। हम लोग महसूस करते हैं कि कुछ सीट के बंटवारा में कहीं कहीं कुछ गलतियां हुई है, जिसके चलते 3-4 सीट हम लोग लूज करेंगे। बावजूद उसके हम कहते हैं कि 30 से ऊपर महागठबंधन का सीट यहाँ पर आए। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।